आई ऑल द एम बी एस्परेंस ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दीज आर आर सर्विसेज एग्ज़ाम्स जो आपको भरने हैं याद रखिएगा दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कैट का एग्ज़ाम भरना ही है जेड का एग्ज़ाम भरना है एंड मैट का एग्ज़ाम भरना है फॉर्म यानि स्नैप का भरना है एंड दीज आर दीज आर अपने अपने सिस्टम्स हैं कैट से काफ़ी सारे कॉलेज लेते हैं आई के अलावा भी Uh, ZAT से लेते हैं कुछ कॉलेजेस एंड मैट का स्कोर भी लेते हैं कुछ कॉलेजेस स्नैप से रिलेटेड भी काफ़ी कॉलेजेस लेते हैं उसके बाद आपको फिर सेल्फ फॉर्म्स भरने हैं सेल्फ फॉर्म जो ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल MDI गुड़गांव है या LBS है या फिर ग्रेट लेक्स है ये आपको अलग से फॉर्म्स भरने हैं दीज आर अलग से फॉर्म्स विच यू हैव टू फिल उसके बाद फिर आता है कुछ एग्जाम जैसे कि मैट Uh, उसके बाद ए टी एम ए उसके बाद सी मैट ये आपको भरना है ये फॉर्म्स अलग हैं ये एग्ज़ाम के फॉर्म्स हैं और फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट में भरना है स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि आप भरोगे एम एम एच सी ई टी ये डेफिनेटली भरना है या अगर आप यूपी के की हो तो आप यूपी टीएसी टी ए सी की काउंसलिंग यानी यूपीटीयू में भरोगे आप अपने स्टेट में उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड का भरोगे एम पी की हो तो एम पी एम भरोगे और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली देखनी है आई जो लेता है वो कैट से लेता है आई जो लेता है वो कैट से लेता है ये दोनों स्पेसिफिकली यहीं से लेते हैं और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम आता है जो बहुत ही ज़्यादा रेपूटेशन में है दैट इज़ क्राइस्ट क्राइस्ट के भी तकरीबन पाँच से छः कैंपस हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा रेपूटेड है आज हम लोग क्राइस्ट uh, के बारे में देखेंगे क्राइस्ट में जो रोल्स मिल रहे हैं सेल्स है एनालिस्ट है एसोसिएट है दीज आर ऑल द रोल्स हमने रोल्स के बारे में स्पेसिफिकली अलग वीडियोस में बात करी है चाहे वो किसी भी मार्केटिंग वर्टिकल का हो ऑपरेशंस वर्टिकल का हो फाइनेंस वर्टिकल का हो या फिर वो कंसल्टेंट का रोल हो या जनरल मैनेजमेंट का रोल हो तो हमने अलग से सारे वर्टिकल्स के रोल्स के बारे में बात करी है इफ़ यू लुक एट द प्लेसमेंट्स यहाँ पे इन्होंने एम का तेरह लाख का है तेरह लाख बारह लाख बारह लाख ग्यारह लाख दस लाख दस लाख दस लाख दस दस तो एक ज, एक नज़र यहाँ पे ज़रूर डालिएगा जस्ट लुक एट दिस एंड यू विल फाइंड कि इन्होंने इनके वहाँ रफली वन थाउजेंड स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ते हैं तो सिम्बाइसिस से अगर मैं कंपेयर करूँ एस से कम्पेयर करूँ तो एस पुणे में जो पढ़ते हैं पुणे में जो पढ़ते हैं दैट इज रफली वन एटी दैट इज जस्ट पुणे दैट इज जस्ट पुणे अलग अलग जगह मिलाएंगे तो एस आई बी एम में भी रफली वन थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड स्टूडेंट्स आ जाएंगे एस आई बी एम में भी अलग अलग कैम्पसेज में ये इनका क्राइस्ट का सारे कैंपस का मिला के है वन थाउजेंड स्टूडेंट्स और आई एम्स में अगर हम बात करें तो आई एम्स में रफली फाइव टू सिक्स के स्टूडेंट्स का है फाइव टू सिक्स के सो so, यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स जो ये पढ़ रहे हैं इनमें से ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो गया सो वी कैन से रफली वी कैन से लाइक 90 परसेंट प्लेसमेंट विच इज़ वेरी वेरी गुड और सबसे अच्छी बात है ट्रांसपेरेंसी सबसे अच्छी बात है ट्रांसपेरेंसी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90 परसेंट स्टूडेंट्स का है ये नहीं लिख दिया गया है कि नहीं 100 परसेंट ही है सो दिस इज अ गुड थिंग टू नोट आई एम नॉट सेइंग कि अदर जगह नहीं है टॉप कॉलेज में तो है ही आई ए एम एस बी सब जगह है ही लेकिन वो चीज़ें जो हैं अलग अलग कॉलेज के अलग अलग हैं इन्होंने सारे कॉलेज का अपने डेटा यहाँ पर मिलाया दिस इज़ वेरी वेरी गुड और इनकी जो मीडियम uh, सैलरीज है दैट इज़ ऑल ऑल द टाइम दे आर इंक्रीजिंग और ये तकरीबन नाइन लैक्स पे पहुंच गई है मीडियम सैलरी सो मीडियम का मतलब क्या है कि एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट्स यानी कि नाइन हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं तो फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी स्टूडेंट्स या 470 सेवेंटी स्टूडेंट जो हैं 470 सेवेंटी स्टूडेंट्स एटलीस्ट नाइन प्लस के पैकेज पे आए हैं ठीक है कैंपसेस इनके देखिए बहुत अच्छे अच्छे इनके कैंपसेस हैं पहली चीज़ इनके सारे जो कैंपस मेन वाले हैं वो तो बैंगलोर के अंदर ही हैं तो बैंगलोर में मेन इनका जो है सेंट्रल uh, कैंपस है फिर कैंगरी uh, कैंपस है और इनका एक बीजीआर uh, जी है ये तीन कैंपस इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बैंगलोर के अंदर हैं फिर इनका डेली में भी कैंपस है और फिर इनका पुणे में भी है यहाँ में पढ़ने में यही है कि अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रांडेड कॉलेज ब्रांडेड का मेरा मतलब है इन टू टर्म्स की क्वालिटी ऑफ क्या दो चीज़ों की क्वालिटी एक एजुकेशन की क्वालिटी उनके सिलेबस इसमें आता है और दूसरा उनके टीचर्स की क्वालिटी यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ भाषा बोलूँ कि बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है एटलीस्ट जो पैसा लिया जा रहा है उतनी एजुकेशन और उतने टीचर्स यहाँ पे हैं सेकेंड एक क्वालिटी आ जाती है हॉस्टल्स की क्योंकि गर्ल्स यहाँ पे आते हैं और दूसरा ब्रांडेड का मेरा मतलब है सोशल परसेप्शन सोशल परसेप्शन कि क्या मैं कहीं पर ये बात बोल पाऊँगा कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ तो यस यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज इफ यू हैव योर ओन बिजनेस इफ़ यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस यू जस्ट वॉन्ट एन एजुकेशन और यू आर ऑलरेडी हैव अ जॉब और इफ़ यू आर लुकिंग कि मेरे को एक एम बी ए बस करना है मे बी आई एल डू पी एच डी और मुझे एक अच्छे कॉलेज से करना है जॉब्स डेफिनेटली है मैं जॉब के अलावा बता रहा हूं तो देन दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन इनके कुछ टाइप्स भी हैं एक टी एच डब्ल्यू एस जर्मनी से है जो एक साल आप वहां करोगे एंड सेकेंड इनका वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी यू से है वहाँ पर आप एक साल वहाँ पर पढ़ेंगे तो दिस इज देयर दीज टू कोर्सेज आर देयर विच आर कॉल्ड डूल कोर्सेज डूल डिग्री डूएल कैम्पसेज डूएल कोर्सेज बुलाया जाता है इनको फीस इनकी बहुत ही अच्छी है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बेंगलौर में और भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं तो इनकी जो फीस है दैट इज़ रफली ट्यूशन फीस दोनों साल की इलेवन लैक्स के करीब है इलेवन लैक्स से करीब है इफ़ यू कम्पेयरड विद आई आई एम्स डेफिनेटली आई एम से कंपेयर करना नहीं चाहिए बिकॉज दे आर नॉट लेटिन हाँ बेबी आई एम से तो मैं कंपेयर कर ही सकता हूँ क्योंकि बेबी आई एम्स में येस yes, ब्रांड तो आता ही आई एम का नाम आता है वो एक पॉइंट uh, याद रखने वाला है कम्पेरिजन में लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है कि बेबी आई एम्स की भी मीडियम सैलरी रफली दस बारह लाख पे ही थी दस बारह लाख पे ही थी इस वक्त पंद्रह पंद्रह पहुँच रही होगी बट इसी के आसपास ही तो डेफिनेटली हम इसे उस रेंज में डाल सकते हैं कि कैट में अगर आप एट्टी फाइव टू नाइन्टी परसेंट ला रहे हो दिस कॉलेज कैन बी ऑन योर रडार दिस कैलेज कॉलेज कैन बी ऑन योर रडार ये उस कैटेगरी में आ जाएगा कैट में कैट इज़ अ सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर इसके मार्क्स मैं बस आपके प्रोफाइल एवेलुएशन के ले रहा हूँ इसमें यहाँ पे कोई भी जजमेंट ये नहीं है कि एट्टी फाइव अच्छा है नाइन्टी बुरा है अगर आप इस रेंज में हो दिस इज द दे कॉलेज दैट यू शुड अप्लाई टू तो फीस ग्यारह लाख है हॉस्टल की मिला के एंड आपके सारे खर्चे मिला के रफली फिफ्टीन लैक्स है तो आर ओ जो आ जाता है तो रफली अच्छा खासा आर ओ आई यहाँ आ जा रहा है तकरीबन आप मान के चलिए एट्टी परसेंट अप्रॉक्स मैं ले ले रहा हूँ एट्टी परसेंट का आर आ जाता है सो दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट अगर आपको एम बी ए करना है योर गोल अगर है कि मैं जॉब में जाऊँ जॉब लेना है अगर आपके पेरेंट्स आर अर्निंग फिफ्टीन टू ट्वेंटी एल पी आपकी जो है फैमिली इनकम है एंड अगर दो स्टूडेंट्स आपकी फैमिली में हैं तो एक पे अगर हम यहाँ पे पंद्रह बीस लाख एक खर्च कर रहे हैं और एक पे बीटेक पे पंद्रह बीस लाख खर्च कर रहे हैं तो हमें दोनों के दोनों को जॉब मिल जाएगा इसकी गारंटी है तो इससे पेरेंट्स फिर टेंशन फ्री हो सकते हैं दैट इज़ फॉर श्योर एडमिशन्स जो इनका है जो हर जगह होता है ग्रुप डिस्कशन प्रेजेंटेशन रिटर्न और पर्सनल इंटरव्यू और एकेडमिक परफॉर्मेंस तो आई में भी सबका वेटेज है हर जगह पर्सनल इंटरव्यू का 40 टू 50 परसेंट है कैट का ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट है और उसके बाद एकेडमिक प्रोफाइल थर्टी थर्टी टू फोर्टी परसेंट के करीब एकेडमिक प्रोफाइल होती है विद वर्क एक्सपीरियंस ये मोस्टली मोस्टली ये थर्टी फोर्टी नहीं है ट्वेंटी परसेंट के ट्वेंटी परसेंट के करीब आती है और फिर उसके बाद जो है एकेडमिक डाइवर्सिटी और जेंडर डाइवर्सिटी ये दो पैरामीटर एडमिशन के लिए आते हैं तो यहाँ पर सारे कैंपस भी दे रखे हैं ये आप देख सकते हैं एडमिशन्स जो है अवेलेबल 11 सितंबर से है 26 सितंबर छब सॉरी छब्बीस जनवरी तक आएगा तो 26 जनवरी को आप ज़रूर करिए एंड फेबररी तक फिर आपका ग्रुप डिस्कशन और बाकी चीज़ें होने लग जाएंगी एंड दिस इज़ द वेबसाइट जो जैसी दिखती है तो यहाँ पे जाके अप्लाई का स्टेटस है इस पर जाके अप्लाई करना है वेबसाइट इनकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती है बाकी इन्होंने सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है कि ये सारे एग्जाम एक्चुअली लेंगे अपने एग्जाम के अलावा भी और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी जर्मनी की है या यू के लिए जो एलिजिबिलिटी है उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि आपका 2.5 पॉइंट आना चाहिए दैट इज़ ऑन अ जर्मन ग्रेड कन्वर्जन 2.5 का मतलब है रफली सेवेंटी टू एट्टी परसेंट मार्क्स सेवेंटी टू एट्टी परसेंट मार्क्स और यूएस में इन्होंने कहा जी आर ई के आसपास होना चाहिए सो दिस इज़ ऑल दिस इज़ ऑल हमारी सर्विसेज़ हैं कॉलेज सेलेक्शन ब्रांच सिलेक्शन ये सब सर्विसेज़ हैं अगर आपको रिले अगर आपको एकेडमिक मेंटरशिप लेनी है वो भी आप ले सकते हो एकेडमिक मेंटरशिप भी आप ले सकते हो एकेडमिक मेंटरशिप मेनली आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप बीटेक कर रहे हो या आप बीबीए कर रहे हो या आप बीकॉम कर रहे हो या आप एग्रीकल्चर कर रहे हो एंड यू वॉन्ट कि हमारे सिलेबस में इम्पोर्टेंट क्या है और ये हाँ आपके सीनियर्स ये बताएंगे बट उसको और फाइन तरह से मैं बता सकता हूँ इम्पॉर्टेंट क्या है मैं अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करूँ और लास्ट होता है डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब मोटा मोटा है टाइम मैनेजमेंट मैं कैसे करूँ और हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आप हमको आके वापस रिपोर्ट करिए तो डिसिप्लिन में टाइम मैनेजमेंट मैं कैसे करूँ और उसके बाद मैं सी कैसे बनाऊँ लिंकड कैसे बनाऊँ और इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढूं इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढूं और जब मिल जाती है तो कौन सी चूज़ करूं ये पूरे प्रोसेस में हम लोग हेल्प करते हैं और बहुत ही नॉमिनल हम चार्जेस लेते हैं इसके रिलेशनशिप कंसल्टेंट में अगर आपको अपने ऑफिस में बॉस से कैसे डील करूं अपने कलीग से कैसे डील करूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो और मेरे को एक एज मिले यहाँ पर हम कम्युनिकेशन पर बहुत करते हैं और इमोशंस पे बहुत काम करते हैं ताकि आप अपने इमोशनल कंट्रोल करके और दूसरे को आप इमोशनली uh, प्रभावित कर सकें तो बॉस हो गया कॉलेज हो गया यहाँ पे अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके फ्रेंड्स से आपको कैसे करना है कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है आपको इमोशनल रिलेटेड मोटिवेशन रिलेटेड आपके पेरेंट्स से कैसे करना है टीचर से कैसे करना है एंड पर्सनल इंटरव्यूज में एक क्या होना चाहिए ये सब हम इसके अंडर देते हैं तो दीज आर आर सर्विसेज थैंक यू वेरी मच दिस इज़ योर कैरियर काउंसलर सागरन थैंक यू फॉर वॉचिंग